इधर देखते हैं। हाँ हेडिंग बोलो, हेडिंग एलएलपी। अच्छा सारे एडवांटेजेज हैं या कुछ डिसएडवांटेजेज भी है? क्योंकि अगर इसके कुछ डिसएडवांटेजेज ना होते तो फिर कंपनी खत्म हो जाना चाहिए था, पार्टनरशिप फर्म खत्म होना चाहिए था। आज भी तो पार्टनरशिप फर्म बनता ही है, आज भी तो कंपनी बनती ही है, तो कुछ ना कुछ तो खामियां रही गई होंगी, है कि नहीं? दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, मालूम है आपको? इवन भगवान भी यही सिखा के गए हैं कि मैं भी परफेक्ट नहीं हूं जी। भगवान भी, आप देखिए कभी गीता पढ़िए, महाभारत सब देखिए, बहुत बार वो बोलते हैं कि मेरे में भी कुछ खामियां हैं। तो दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। जब भगवान भी इस पृथ्वी लोक पे आते हैं तो उनमें भी कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन आ जाती है, आती है ना? तो इसलिए सिर्फ परफेक्ट लोगों को खोजना छोड़ दीजिए, जो मिले उसी को परफेक्ट बनाइए, है चलिए चलो, दिल में लगी बात। आगे देखो, हाँ एलएलपी का डिसएडवांटेज। अरे मैं कुछ भी बोलता हूँ तो तुम लोग कहीं और क्यों ले जाते हो कहानी? कहा बोलते ही ऐसे हैं। आइए हाँ चलो, डिसएडवांटेज। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं जब डिसएडवांटेज बोलूंगा ना तो तुम इसको कंपेयर किससे करना मालूम है? पार्टनरशिप फॉर्म से। क्योंकि कंपनी से कंपेयर करोगे तो ये सब एडवांटेज ही दिखेगा, क्योंकि कंपनी में तो कंप्लाइंसेस बहुत ज्यादा हैं। तो आप अब किससे कंपेयर करो? पार्टनरशिप फॉर्म। अब देखिए, जब आप पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं तो वहां पे डीड बनाना है तो बना लो, ओरली भी चल जाता है बहुत बार। लेकिन यहां पे अगर एलएलपी बनाएंगे आप तो पार्टनरशिप फॉर्म से कदम आगे बढ़ेंगे तो एक दिक्कत आ जाएगी, आपको एलएलपी एग्रीमेंट बनाना ही पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, आरओ एलएलपी को फाइल करना पड़ेगा। ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। और इसमें एक दिक्कत और भी है, तुम लोगों को पढ़ाऊंगा मैं एमओए चैप्टर में, कि कभी कभी लोग फॉर्मेट देते हैं और उस फॉर्मेट का कोई भी पॉइंट अगर आपने अपने चीजों में नहीं लिखा तो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है, तो ये गलत है थोड़ा सा। मतलब कभी कभी आपको जबरदस्ती भी कुछ चीजें मान लेनी पड़ेंगी। एमओए चैप्टर में तुम्हें टेबल एफ पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा, अभी आप इसको छोड़ दो। बस आप ये समझो कि आपको एलएलपी एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। वो जो बनाएंगे वो इस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में उसका फॉर्मेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? फॉर्मेट। उस फॉर्मेट के हिसाब से ही बनाना पड़ेगा। अगर उस फॉर्मेट को या तो आप ना करो, लेकिन अगर आप साइलेंट रह गए तो फॉर्मेट ऑटोमेटिकली क्या माना जाता है? अप्लाइड। तो आप बताओ, ये कुछ जबरदस्ती जैसा नहीं लग रहा है यहां पे? जितनी आजादी पार्टनरशिप फर्म में है उतनी आजादी एलएलपी में नहीं दिख रही है, लेकिन कंपनी के मुकाबले तो ज्यादा ही है। तो मैं ये डिसएडवांटेज किस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहा हूं? पार्टनरशिप फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत यहां पे है। आगे बढ़े, एक तो लीगल अनसर्टेनिटी है। क्यों? अभी एलएलपी नया आया है तो अभी 20-30 साल उसको थोड़ा देखा जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल होता भी है या नहीं। जैसे कंपनी है वो प्रूफ्ड है कि वो बढ़िया है, पार्टनरशिप फॉर्म है जमाने से चल रहा है प्रूफ्ड है, लेकिन एलएलपी को अभी प्रूफ करना बाकी है, तो ये थोड़ा सा अनसर्टेनिटी थोड़ा सा मिलता है। अगला आगे बढ़िए, रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट। याद रखिएगा, कंपनी बना के आप कैपिटल मार्केट से पैसा उठा सकते हैं, लेकिन ये कैपिटल मार्केट में जा नहीं सकते। कल ही मैं कैपिटल मार्केट पढ़ाने वाला हूं। अच्छा आप में से कोई भी बच्चा मॉडल फर्स्ट में सब है, लेकिन मान लो अगर शेयर मार्केट का थोड़ा बेस बनाना चाहता है तो कल जो मैं क्लास लूंगा उसमें वो मैं यूट्यूब लाइव करूंगा, तो कल तुम लोग उसको ऐसे ही फॉर इंफॉर्मेशन देख लेना एक बार। उसमें मैं बताऊंगा कि शेयर मार्केट का थोड़ा बेसिक्स बताऊंगा कल 11 बजे, 11 बजे के आसपास तुम लोग एक बार देखना, और मैं उसमें शेयर मार्केट का कल बेसिक्स बताने वाला हूं, तो वो तुम्हें फायदा दे देगा। और थोड़ा कंपनी लॉ पढ़ते पढ़ते भी कैपिटल मार्केट वर्ड बोलूंगा या सिक्योरिटीज मार्केट वर्ड बोलूंगा तो तुम्हें समझ में आएगा। जैसे यहां कैपिटल मार्केट आ गया, तुम्हें पता ही नहीं कैपिटल मार्केट क्या होता है, और कैपिटल मार्केट लॉज नाम का एक सब्जेक्ट है हमारा जो सिक्योरिटी लॉ, जो कल स्टार्ट कर रहा हूं, तो उसका इंट्रो कल जरूर देख लेना। मैं तुम्हें, तुम लोग को लिंक भेज दूंगा, देख लोगे ना? अरे आधा एक घंटा 2 घंटे का होगा, आधा एक घंटा दो तीन घंटे का होगा, 4 घंटे का भी हो सकता है। नहीं, इंट्रो के नाम से जो वीडियो आएगा वो देखना, अच्छा लगेगा तुम्हें, मजा आएगा। हर बच्चे के मन में ना कहीं शेयर मार्केट छिपा हुआ होता है और उसका मन करता है कि शेयर मार्केट में हम आगे जाएं, है ना? और राकेश झुनझुनवाला बने। क्या बने? राकेश झुनझुनवाला। नाम सुना है? कौन है? वही गली के पीछे राकेश नहीं रहता, झुनझुना बजाता रहता है। अगला, हाँ ये लो, एलएलपी को क्या माना जाता है? और इसलिए उनको कहा गया कि आप अपने शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं कर सकते, आप पब्लिक इशू नहीं ला सकते, आईपीओ ला नहीं सकते, पर कंपनी तो ये सब कर सकती है कि नहीं? चलिए आगे बढ़े, ये लो पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ एलएलपी इंफॉर्मेशन। देखो अगर तुम पार्टनरशिप फॉर्म बनाए होते ना तो तुमको दुनिया को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, सब सीक्रेट रहेगा, सब क्या रहेगा? सीक्रेट। लेकिन यहां क्या दिक्कत है? आप जहां एलएलपी बनाएंगे हर साल क्या फाइल करना है आरओसी को? एनुअल रिटर्न,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब ये सारा जहां आपने मेरे मुंह से अगर आरओसी निकले ना तो तुम आरओ एलएलपी ही समझना। अब एक चैप्टर में आरओ एलएलपी आ गया है, अब पूरे 5 महीने में आरओसी बोलता रहता हूं तो मेरे मुंह पे ना आरओसी आ जाता है। कभी कभी नहीं होता कि जिसके बारे में आप ज्यादा सोचते हैं या जो बार बार बोलते रहते हैं उसी का नाम आ जाता है आपके मुंह से, तो ऐसा ही यहां पे भी है। तो आरओसी मैं बार बार बोलता रहता हूं तो आरओ एलएलपी की जगह पे क्या जाता है, आरओसी आता। तो आरओसी से प्यार है इस वजह से, है ना, आरओ एलएलपी को मैंने कभी प्यार बनाया ही नहीं। चलिए, तुम मुस्कुराने क्यों लगते हो यार हर बात पे, तो बात सही है ना। आगे चलिए, अच्छा एक बात जानते हैं, आप लोगों को एक डॉक्ट्रिन पढ़ाऊंगा, बचपन में शायद थोड़ा सा पढ़ा भी होगा। एक डॉक्ट्रिन होता है एमओए चैप्टर में, इस चैप्टर में एक डॉक्ट्रिन आता है वहां पे, और वो डॉक्ट्रिन जब एमओए चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा तुम लोग को, है ना। उसका कहना है कि जब भी आप सरकारी ऑफिस को कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे तो माना जाएगा कि जैसे आपने पूरे दुनिया को नोटिस दे दिया और पूरे दुनिया को आपने ये बात बता दिया, क्योंकि सरकारी ऑफिस पर सबका हक है। आपने सरकारी ऑफिस को अगर एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया तो एमसीए के वेबसाइट पर जाके कोई भी तुम्हारा एनुअल रिटर्न देख सकता है। तो इसका मतलब जो सिक्रेसी नाम की जो चीज होनी चाहिए वो अब आप में नहीं है। वहां पे एमओए चैप्टर में उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं करो, ठीक है। तो ये थोड़ा दिक्कत है। तो तुम्हें क्या लगता है यहां थोड़ा प्राइवेसी सिक्रेसी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा क्या है, कॉम्प्रोमाइज है। लोग आपके बारे में जानने लगेंगे और सबको आपके बारे में सब कुछ पता होगा, तो जो सीक्रेट चाहोगे कुछ प्राइवेसी चाहोगे वो आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। आगे कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब इससे क्या होगा जानते हो, तुम्हारी सारी बातों को कौन जान जाएगा? अब देखिए, हाँ सब जान जाएगा, देखिए पार्टनरशिप फर्म में नहीं जानता है। अरे पार्टनरशिप फर्म 4 पार्टनर बैठा हुआ है, स्ट्रैटेजी बना रहा कैसे आगे बढ़ना है, तो उसको सरकार को तो बताना नहीं है। लेकिन ये एलएलपी में कोई भी स्ट्रैटेजी बनाओगे, कुछ भी बनाओगे, या तुम्हारा क्या बैलेंस शीट है, क्या कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, कितना पैसा है तुम्हारे पास, सब तो चला गया आरओ एलएलपी के वेबसाइट पे, मतलब एमसीए के वेबसाइट पे चला गया। तुम्हारा कॉम्पिटिटर एक मिनट में पता कर लेगा कि तुम्हारे तुम्हारे एलएलपी में कितना पैसा है और कौन तुम्हारा पार्टनर है, लेकिन पार्टनरशिप फंड में नहीं पता लगा पाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, पहले बताइए आप। तो ये कहानी, चलिए कंपनी में तो होता ही है, कंपनी में तो बहुत ज्यादा होता है, कंपनी में तो पब्लिक डिस्क्लोजर कुछ ज्यादा ही होता है। तो मैंने क्या बोला, डिसएडवांटेज जब देखेंगे ना आप, तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्या देखिए, पार्टनरशिप हम पार्टनरशिप हम बनाएंगे एकदम सीक्रेट, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, दुनिया नहीं जान रही है, अंदर अंदर पूरा कांड कर गए, लेकिन इसमें आप ऐसा कुछ भी कर नहीं पाएंगे। आगे बोलो, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो क्या लिखा हुआ। एक तो दिक्कत है एलएलपी सिंगल पर्सन से बनेगा नहीं, एक ये लिमिटेशन है आप देखिए। लेकिन बोला सर पार्टनरशिप हम भी तो नहीं बनेगा, पर कंपनी तो बनेगा, ओपीसी कंपनी तो बनेगा, 1% कंपनी नहीं बन जाती है 1% से। तो अब इसको देखोगे तो थोड़ा सा नुकसान है, अभी जबरदस्ती के नुकसान मैं बता रहा हूं चूंकि लिखना है, लेकिन देखा जाए तो ठीक है, एलएलपी मुझे पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आगे एक और दिक्कत है इसके साथ, जो नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट का मतलब लिखो फॉरेनर, नॉन रेजिडेंट का मतलब फॉरेनर, अरे लिखते चलो, जो फॉरेनर है उनको कहा है कि अगर फॉरेनर भारत में बनाना चाहता है एलएलपी तो उसको जबरदस्ती एक ऐसे आदमी को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा जो भारतीय रेजिडेंट हो, जो क्या हो, भारतीय रेजिडेंट हो। बात समझ में आ गया? और वो जो भारतीय रेजिडेंट है वही माना जाएगा डीपी। मैं कुछ देर में पढ़ाऊंगा, ये डायरेक्टर समझो, डेजिग्नेटेड पार्टनर समझो क्या तुम, डायरेक्टर मतलब बताइए, बनाएंगे फॉरेनर, पैसा लगाएंगे वो, लेकिन जबरदस्ती उनको एक इंडियन को क्या बनाना पड़ेगा, डायरेक्टर। तो थोड़ा उनको बुरा लग सकता है, वहां वाले लोगों को थोड़ा सा ये क्या लग सकता है, बुरा। तो हो सकता है कि उसे एफडीआई जो आ सकता था भारत के बाहर से यहां, वो एफडीआई आने में थोड़ी परेशानी हो। तो एफडीआई सबसे अच्छा कंपनी से आता है, है ना, इससे थोड़ा पार्टनरशिप फॉर्म में तो एफडीआई शायद ही आता है क्योंकि वहां तो उनका गुडविल ही नहीं अच्छा है और सेपरेट लीगल एंटिटी है नहीं। लेकिन इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी है, एफडीआई आ सकता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन है एफडीआई को लेकर एज कंपेयर टू कंपनी, एज कंपेयर टू कंपनी। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज जैसा दिखता है। और भी है, ये देखो यहां से इसको अलग पढ़ो, ये सबको अलग पढ़ रहे हो ना, यहां से अलग है यहां से, तो सब मिला के 3 लिमिटेशन पढ़ाया मैंने, 1, 2 और ये है तीसरा। अरे 1, 2, 3 जल्दी से लिखो, जल्दी लिखो, लिखा। चलिए अब देखिए एफडीआई को लेके देखो कितना रूल बनाया हुआ, पढ़ो तो इसको, इस लाइन को पढ़ो तो। अब मैं तुम लोग से पूछता हूं कि क्या लिखा हुआ है, पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो, ये एफडीआई वाला पढ़ो, नंबर 3rd पॉइंट पढ़ो। अब
अभी थोड़ा टफ हो जा रहा है तुम लोग के लिए, चूंकि एफडीआई सब तो जानते नहीं हो तुम लोग, ये मॉड्यूल सेकंड में पढ़ोगे, तो जहां ऐसा लगे ना कि मॉड्यूल सेकंड वाला कुछ आ जाए बस उसको सुन के छोड़ दिया करो, कि इतना तो पढ़ो कि हम सब एग्जाम में लिख देना। अब मैं एफडीआई थोड़ी पढ़ाने लगूंगा यहाँ पे, अब एफडीआई पढ़ाऊंगा तो मालूम चला एफडीआई के ऊपर वहां कम से कम 5 घंटे का चैप्टर है मॉड्यूल सेकंड में। ये जरा अपने बिल्ली वाले नाखून से इसको निकालो तो मैंने पढ़ने के लिए बोला है, तुम लोग इतने बीच में रेस्ट ले लेते हो, वाह क्या बात है। लो मेरी तरफ से गिफ्ट, चलिए आगे बढ़े। हाँ जी देखो इधर एफडीआई में तुम देख रहे हो क्या क्या कितना कंडीशन लगा रहा है, क्या बोला है, पहले आप एफडीआई लेंगे तो सिर्फ कौन रूट से, मतलब आपको एफडीआई लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और देखो वो भी उन्हीं सेक्टर वाले आप एलएलपी होने चाहिए जहां क्या अलाउड है, 100% एफडीआई अलाउड है, और जो ऑटोमेटिक रूट में आता है, पता है बेचारा वो ऑटोमेटिक रूट वाला है, वहां आराम से एफडीआई ले सकते थे, लेकिन तुम चूंकि एलएलपी हो तो ये ऑटोमेटिक रूट क्या बन जाएगा, गवर्नमेंट रूट, मतलब इनको एफडीआई समझते हो, भारत के बाहर वालों से पैसा लेना, भारत के बाहर वालों से पैसा लेना इनके लिए उतना आसान नहीं है जितना कंपनीज के लिए, जितना इनके लिए है, कंपनीज बहुत आसानी से क्या लेती है, एफडीआई लेती है, जैसे आज सीएसएन के जो क्लासेस, एक प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है नहीं मिलेगा, एफडीआई नहीं मिलेगा, मैं पार्टनरशिप फॉर्म भी बना लूं तो भी शायद कम ही मिलेगा या मिलेगा ही नहीं, गुडविल नहीं, एलएलपी में मिलेगा पर तो कंडीशन ज्यादा है, और ये कंपनी बना लूं और अभी लिस्टेड कहीं हो गया तो पूरे वर्ल्ड से एफडीआई आएगा, है ना, कोई भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। मानो शकीरा को अच्छा लगा मेरा एग्जैक्टली क्लासेस, शकीरा नाम सुना ना है, नहीं सुना है, व्हेनेवर मैं एक समय में जब तुम लोग के एज का था तो मैं शकीरा का बहुत बड़ा फैन था, उसके बाद तो मैं एक प्रॉपर सीडी वो भी प्रीमियम प्राइस पे मैं खरीद के ले गया था और मैं उसके तरह डांस करने की कोशिश करता था, है ना, डिवोर्स हो गया उसका तो अच्छा ठीक है, काफी बड़ी है वो, है ना, सुनिए तो अब वो कोलंबियन है, शायद वो कोलंबियन है, मतलब कोलंबिया की है शायद वो, तो कोलंबियन है, अगर उसको मालूम चला मेरे कोचिंग क्लासेस में इंटरेस्ट, उसको अच्छा लगा मेरा कोचिंग क्लास, ठीक है, तो वो मुझे एफडीआई दे सकती है, कब, अगर मैं कंपनी होता तब, लिस्टेड होता तब, आज मैं प्रोप्राइटर हूं कहां कोई मिल रहा, आगे एफडीआई देने के लिए। अगला ऑफेंसेस एंड पेनल्टी, अरे यार ये फंस गए तुम लोग, अब कैसे फंस गए सो सुनो, कैसे फंस गए मालूम है, पार्टनरशिप फर्म बनाते ना, ना एक्ट में रजिस्टर्ड होना जरूरी है, ना कोई पेनल्टी, ना कोई पनिशमेंट, एलएलपी बनाओगे तो एलएलपी एक्ट लगेगा, और जहां एलएलपी एक्ट लगा छोटी छोटी गलतियों के लिए तुम्हें क्या लगेगा, पेनल्टी एंड पनिशमेंट, लॉ में आओगे तो फिर पेनल्टी पनिशमेंट भी तो हो जाएगा, है कि नहीं, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अगला, अरे पढ़ो जल्दी पढ़ो, सब नहीं पढ़ रहा है, सब नहीं पढ़ रहा है ना, सुनिए आप देखिए, जब वो एफडीआई नहीं ले सकते तो वो ईसीबी, अब तुमको ईसीबी मालूम नहीं है, मॉड्यूल सेकंड में जाओगे ना ईसीबी नाम का एक चैप्टर है, ठीक है, ईसीबी का मतलब एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, बोरोइंग मतलब भारत के बाहर से पैसा लेंगे, सॉरी पहले बोरोइंग मतलब उधार लेंगे, कहां से लिए, एक्सटर्नल भारत के बाहर से, किस पर्पज के लिए लिए, कॉमर्शियल, पता नहीं था, तो एक बात सुनिए, एफडीआई जब होता है तो शेयर्स बेच के होता है, और ये ईसीबी जो होता है वो लोन होता है, तो ना आप एफडीआई में तुमने देखा उसको बहुत तंग किया है, और ईसीबी में तो क्या बोल दिया है, मुझे लग रहा है सीधा मना ही कर दिया, देखिए तो मना कर दिया, बोलो मना कर दिया कि ये ईसीबी तो ले ही नहीं सकते, इसका मतलब अगर इनके कोई फॉरेन पार्टनर्स भी हैं तो वो उनको लोन नहीं दे सकते, है ना, भारत के बाहर के बैंक, भारत के बाहर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन सबसे ये लोन नहीं ले सकते, ठीक है, शेयर्स के नाम पे ले सकते हैं जो एफडीआई होता है, एफडीआई के लिए भी रूल बता दिया मैंने, लेकिन लोन की बात करोगे तो इनको लोन सिर्फ भारत के अंदर से मिलेगा, भारत के बाहर से मिलना मुश्किल होगा, ना ना वो शेयर नहीं, शेयर का मतलब उसको पार्टनर बना लो, तुमने देखा था एलएलपी में भी, यहां भी लिखा ना फॉरेन पार्टनर, पार्टनर बना लीजिए और उसका कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, क्या जाएगा, कैपिटल, लेकिन लोन के तौर पर दिखाओगे तो ईसीबी बन जाएगा, और ईसीबी अलाउड नहीं। एक बात हमेशा याद रखना तुम बच्चे सब, है ना, तुम लोग को मैं देख रहा हूं,
आज पहली क्लास ऐसी हो रही है अपनी जो सुबह वो 8 से 5 वाली जा रही है, तो मैं तुम लोग को देख रहा हूँ थोड़े तुम घबरा रहे हो। आप कब तक घबराओगे? मैंने तुम लोग को फिर भी बहुत एक हनीमून पीरियड दिया था। बैच स्टार्ट होने के बाद भी लगभग 1.5 सप्ताह 2 सप्ताह मैंने बहुत धीरे धीरे चलाया है, लेकिन ऐसे मैं नहीं चला पाऊंगा, कोर्स बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो? अब आपके 4 सब्जेक्ट हैं, 2-2 घंटे भी पढ़ोगे तो 8 घंटे होते हैं। अब बीच में अगर आधे आधे घंटे का भी ब्रेक लोगे तो सब मिला के 9 घंटा होता है। ये नेचुरल है, एक्सेसिव नहीं है। तो आप जो मैं देखता हूं कुछ बच्चे मन से हार जाते हैं, मन से ही बोल रहे हैं 3 बज गया मैं कैसे पढ़ सकता हूं, अब ऐसे कैसे हो सकता है, आज मैं चला जाऊंगा कल से ट्राई करूंगा कि 3 से 5 होगा कि नहीं। सबसे होता है, हर बैच में पढ़ता बच्चा पढ़ता है, और 10-12 साल से जितना भी पढ़ाया है मैंने हर बैच में इतना ही पढ़ाया है और इससे ज्यादा ही पढ़ाया है, समझ रहे हो आप? अब जाके फेस टू फेस मिला है हम लोग को, फेस टू फेस का भरपूर इस्तेमाल करो, लंबी लंबी क्लासेस लो, है ना, अच्छा नॉलेज लो। ये जो 2 साल ऑनलाइन में गया है, ऑनलाइन में क्या ही नॉलेज मिलता है किसी को? आप जानते हैं इस 2 साल में बहुत बच्चा फेल किया, फेल होने का कारण सबसे बड़ा ऑनलाइन था, बच्चा नहीं पढ़ पाया। बात समझ रहे हैं? ये पहला बैच ऐसा जा रहा है कोरोना के बाद, जो भगवान की दया से ऐसा हो, भगवान से मनाना कि ये कंप्लीट 100% फेस टू फेस रहेगा। आपका पिछला बैच गया ना जनवरी फरवरी, ओमिक्रॉन खराब कर दिया था, जनवरी फरवरी खराब किया ना ओमिक्रॉन ने। फेस टू फेस में कब से स्टार्ट हुआ था? सरस्वती पूजा के बाद, अगर आप लोगों को याद हो जो बच्चा पुराना है, तो एक बात बताइए, 5 महीने के बैच में, 4 महीने के बैच में 2 महीना तो खा गया था, और 2 महीना वो ऑनलाइन रह गया, और ऑनलाइन रह गया बच्चे का परफॉर्मेंस बिगड़ गया, पर उसमें मेरी गलती थोड़ी थी, ओमिक्रॉन मैं थोड़ी लेके आया था, ये बच्चे को समझना चाहिए था। तो कम से कम तुम लोग ऐसे भगवान की दया से हो, इसलिए पाप वाप मत करना, भगवान गुस्सा हो जाते हैं, फिर वो क्या भेज देते हैं, ओमिक्रॉन। पाप वाप मत करना, समझे, पॉपकॉर्न खाओ, ओमिक्रॉन मत लाओ, ठीक है? ये मैं दिल से चाहता हूं, ये एक ऐसा बैच मिलना चाहिए जो शुरू से अंत तक क्या रहे, फेस टू फेस, मजा आ जाएगा, सच में बोलता हूं। तुम लोग देखना, इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना तुम्हें, तुम सोच नहीं सकते, मुझे एक्सपीरियंस है, है ना। तो इसलिए घबराइए नहीं, ये नहीं कि 3 बज गया तो सर हम पर्सन अपन साउंड माइंड हो गए, 5 बजते हम बेहोश होकर दिखाएंगे आपको ये सब नहीं, मेहनत तो करना पड़ेगा, है कि नहीं? चलिए जी, अब मुझे लग रहा है कि इसके बाद मेरा ना JIGL का टाइम आ गया, है ना, 3 बजे से JIGL का टाइम है ना, तो ये 2:55 हो चुका है अब, तो 5 मिनट का बीच में ब्रेक है और उसके बाद शुरू करते हैं हम। क्या एग्जैक्टली आपका, या थोड़ा ज्यादा ब्रेक दे दूं, थोड़ा ज्यादा? चलिए अभी 3:15 में स्टार्ट कर रहा हूं, जाओ जी लो जिंदगी तुम लोग भी, आज पहली क्लास है, थोड़ा सा दे रहा हूं। 3:15 में मैं बोलना स्टार्ट कर दूंगा और कोई बच्चा भागेगा नहीं, मैं सबको देख रहा हूं और सबको पहचान रहा हूं मैं, है ना, उसमें भी मैं इंट्रो देके छोड़ दूंगा, चिंता मत करना। अभी आर्बिट्रेशन एक्ट स्टार्ट होना है ना, ठीक है, बहुत मजा आएगा, आज आर्बिट्रेशन एक्ट का इंट्रो है, एक सेकंड